अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे आप पैन कार्ड डाउनलोड, उसके बाद एंटर पर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके सामने दोनों लिंक ओपन हो जाएगा। अगर आपका पिछला पैन कार्ड NSDL साइट से बनाया गया था तो ये फर्स्ट वाला लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका पैन कार्ड UTI से बनाया गया था तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करेंगे। ये आपका पैन कार्ड में वेबसाइट में लिखा हुआ रहता है NSDL से बनाया गया है तो वहाँ NSDL लिखा हुआ रहेगा, अगर UTI से बनाया गया था तो UTI लिखा हुआ रहेगा। मेरा पैन कार्ड UTI से बनाया गया था तो हम सेकेंड वाला लिंक को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ डाउनलोड ePen के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ अपना पैन नंबर फिल करेंगे, यहाँ मंथ और ईयर चूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद GST नंबर है तो वो फिल करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना पूरा डिटेल्स को मिला लेंगे। आपका पैन नंबर का लास्ट यहाँ 3 डिजिट दिखाएगा, मोबाइल नंबर का दिखाएगा, आपका ईमेल आईडी का दिखाएगा, इन सबको मिला लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और मोड ऑफ OTP, अगर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है तो बोथ चूज़ करेंगे। अगर आप ईमेल में लेना चाहते हैं तो ओनली ईमेल चूज़ करेंगे। चलिए हम ओनली SMS चूज़ करेंगे क्योंकि हमें मोबाइल में OTP चाहिए, ये चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, इसको यहाँ से हम ओके कर देंगे और वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा, ये ePen एप्लीकेशन नंबर आपका ये रहेगा, आपका यहाँ से पेन नंबर आएगा। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन ePen डाउनलोड, यहाँ से GST नंबर नहीं फिल किए थे तो यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद आपका यहाँ से डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ePen का डाउनलोड का ये डेट आपका और टाइम यहाँ पे रहेगा, और यहाँ बता रहा है द ePen लिंक हैज़ बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर इतना, एप्लीकेंट कैन डाउनलोड द ePen बाई यूजिंग द लिंक। तो चलिए जब ये मेरे मोबाइल में लिंक भेजा है तो उस लिंक के ऊपर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ मेरे मोबाइल में SMS आ गया है, चलिए पहले हम अपना मैसेज ऐप को ओपन करते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरा मैसेज आया है जिसमें एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है। हम यहाँ फिंगरप्रिंट देंगे अपना और क्रोम ब्राउज़र मुझे ये रिडायरेक्ट करेगा। देखिए मुझे रिडायरेक्ट करके फिर ये इसी पेज पर लेके आया है। यहाँ अपना फिर हम पैन नंबर फिल करेंगे, ये अपना महीना और ये साल डालेंगे डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद यहाँ से GST नंबर है तो फिल करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। वो कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ से डिटेल्स देखने को मिलेगा, आप यहाँ से अपना डिटेल्स को मिला लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और आपको OTP किस में चाहिए, मुझे SMS में चाहिए तो इसको हम टिक कर लेंगे और यहाँ से कंसर्न पर क्लिक करेंगे और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट पेज में ला करके छोड़ेगा, आपको 8.26 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ अपना एक ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ इसको चेक कर देंगे और कन्फर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेमेंट पेज आएगा, यहाँ आएंगे, यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट, QR, UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम UPI से करेंगे तो यहाँ UPI चूज़ कर लेंगे, यहाँ से अपना मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये टिक किया हुआ UPI में। उसके बाद यहाँ से अपना फ़ोन पे या गूगल पे या अमेजोन पे का UPI ID डालेंगे और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको इस तरह से एक PDF यहाँ ओपन हो जाएगा, इसका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा बिना स्लैश का। जैसे कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है तो आपको वहाँ फिल करना है 01/01/2004, वो डालेंगे और यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से आधार कार्ड निकल जाएगा। देखिए हमने यहाँ अपना पासवर्ड फिल कर दिया तो मेरे पैन कार्ड यहाँ मेरे सामने पे आ गया है, इसी तरह आपका भी आ जाएगा। सो, इस तरह से आप पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस तरह की खास वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।